इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनीज अच्छी ग्रोथ कर रही है और अब हर मेजर सिटी में सॉफ्टवेयर कंपनीज एस्टेब्लिश होने लगी है। ऐसे में अगर आप भी इस एरिया में अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसलिए आज हम क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करने का प्रोसेस बताने वाले हैं। साथ ही आपको सॉफ्टवेयर कंपनीज के डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी पता चलेगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले सॉफ्टवेयर कंपनीज के टाइप्स जानते हैं। इंडिया में आपको दो टाइप की सॉफ्टवेयर कंपनीज मिलेगी, पहली सर्विस या कंसल्टिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी और दूसरी प्रोडक्ट या डेवलपमेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी। विप्रो, इन्फोसिस, IBM, टेक महिंद्रा सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग या सर्विस कंपनीज है। इस टाइप की कंपनीज क्लाइंट्स को बिजनेस कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आउटसोर्सिंग सर्विसेज की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। जबकि प्रोडक्ट या डेवलपमेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी के पास ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो रेवेन्यू में एक मेजर पोर्शन प्रोवाइड कराते हैं। Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ऐसी ही कंपनीज है। आइए अब आपको बताते हैं इंडिया में सॉफ्टवेयर कंपनी ओपन करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है। पहला स्टेप है कि अपने बिजनेस के लिए फंड कलेक्ट करें। अपने बिजनेस की फंडिंग के लिए या तो आपके पास सफिशियंट फंड होगा या फिर आप बैंक लोन्स की हेल्प से ऐसा करने वाले होंगे। अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में आप क्राउड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टमेंट और वेंचर कैपिटल फंडिंग की हेल्प भी ले सकते हैं। दूसरा स्टेप आता है बिजनेस प्लान बनाइए। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले बिजनेस प्लान बनाना जरूरी होता है। कई बार इस स्टेप को स्किप कर दिया जाता है जिसके रिजल्ट्स सेटिस्फेक्ट्री नहीं आते हैं। इसीलिए आपको अपना बिजनेस शुरू करने की भले ही कितनी भी जल्दी हो एक प्रॉपर बिजनेस प्लान जरूर बनाइए जो कि डीप रिसर्च पर बेस्ड हो और आपने इस फील्ड के कंपटीशन को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया हो। इस बिजनेस प्लान में सॉफ्टवेयर कंपनी का टाइप चूज करें जो आपकी नॉलेज और बिजनेस के अकॉर्डिंग हो और जिसमें आप ज्यादा अच्छी सर्विस दे सकते हो। इसमें आपको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को भी चूज करना होगा और स्पेसिफिक ऑडियंस या मार्केट को भी टारगेट करना होगा। तीसरा स्टेप आता है अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिसाइड करें। अपने बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी का राइट टाइप चूज करने के बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आप बिजनेस पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं या नहीं। आप अपनी सर्विस पूरे देश में देना चाहते हैं या फिर केवल लोकल कम्युनिटी में। इसके बाद चौथा स्टेप आता है कि अपने बिजनेस के लिए सही एरिया या रीजन सिलेक्ट करें। आप किस तरह के सॉफ्टवेयर टाइप पर काम करने वाले हैं इस पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रोडक्ट पूरे देश में सेल करेंगे या लोकल एरिया में। लेकिन आपको अपने बिजनेस के लिए इंडिया के ऐसे एरियाज पर तो फोकस करना ही होगा जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता हो। पांचवा स्टेप है कि अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी को रजिस्टर करवाइए। अगले स्टेप में आपको अपनी कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि ROC में रजिस्टर करवाना होगा। इसके लिए आपको अपनी कंपनी के लिए चार ऐसे नाम भी देने होंगे जो अभी तक किसी कंपनी के ना हो। इसके अलावा आपको कुछ फॉर्म भी भरने होंगे जिनमें आपको सॉफ्टवेयर कंपनी की बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। इंडिया में अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी का बिजनेस शुरू करने से पहले आपको लीगल एंटिटी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आप अपनी कंपनी के लिए सूटेबल लीगल एंटिटी इनमें से चूज कर ले। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, इसे एक कंपनी तो नहीं माना जाता है लेकिन किसी नए आइडिया पर काम शुरू करने के लिए इसे एक अच्छी लीगल एंटिटी माना जाता है। दूसरा है पार्टनरशिप फर्म, इसमें बिजनेस ओनर के साथ को फाउंडर्स भी होते हैं जो मिलकर उस बिजनेस आइडिया पर काम करते हैं। तीसरा है LLP यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसे इंडिया में बिजनेस की रियल कंपनी कहा जाता है और 90% से ज्यादा बिजनेस ओनर्स अपनी कंपनीज को इसी नाम से रजिस्टर करवाते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको इन कॉमन डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी, पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस एड्रेस प्रूफ के रूप में। बिजनेस एड्रेस प्रूफ के लिए यूटिलिटी बिल्स कॉपी या रेंट अग्रीमेंट कॉपी भी चलेगी। इनके अलावा एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने के लिए आपको इन लाइसेंस और लीगल रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी होगी, जैसे कि कंसल्टेंसी बिजनेस के लिए सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, STPI लाइसेंस, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन, पेटेंट रजिस्ट्रेशन और सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट्स। यहाँ आपको STPI के बारे में जरूर से जान लेना चाहिए। आपको अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को STPI यानी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इंडिया में रजिस्टर भी करवाना होगा। ये STPI लाइसेंसेस स्पेशली इंडिया की न्यू सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए होते हैं और उन्हें बहुत सी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि 5 साल तक कोई पेमेंट नहीं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स पर कोई इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं। इसकी हेल्प से आपको नॉर्मल रेट से कम रेट पर ऑफिस भी उपलब्ध हो सकता है। आप इंडिया में अपनी स्टेट या रीजन के डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में खुद को एक एम्प्लॉयर के रूप में रजिस्टर भी करवा लें, ताकि आप उस स्टेट में जॉब एड्स दे सके और अपनी कंपनी की ओपन पोजीशंस के लिए सूटेबल कैंडिडेट्स को हायर कर सके।
छठा स्टेप है कि ऑफिस लोकेशन को चूज करें। अपने ऑफिस के लिए लोकेशन चूज करते टाइम आपको कंपनी की साइज, एम्प्लॉयज और उस एरिया में अवेलेबल टेक्नोलॉजी और अवेलेबल रिसोर्सेज जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन को ध्यान में रखना होगा। शुरुआत में आपको ऑफिस स्पेस में मिनिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। आप इसे रेंट या लीज पर भी ले सकते हैं। शुरुआत में ज्यादा खर्चा स्पेस पर लगाने से बचे। और आगे है सातवां स्टेप, जो है एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक स्टाफ को हायर करें। अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी का सेटअप तैयार करने के बाद आपको ऐसे स्किल्ड स्टाफ को हायर करना होगा जो आपकी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। इसके लिए उनमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज, हायर एजुकेशन और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स होनी चाहिए। शुरुआत में आप 2 से 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और 1 से 2 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं। एम्प्लॉयज को हायर करते टाइम आपको फ्रेशर्स को तो चांस देना ही चाहिए, लेकिन अपने स्पेसिफिक फील्ड के लिए एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज भी जरूर हायर करने चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह सही बिजनेस प्लान, सही सॉफ्टवेयर कंपनी टाइप और सेटअप के साथ आप अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर सकते हैं। क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपकी काफी हेल्प भी की होगी। तो लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी, क्या क्या ऑलरेडी आपने अप्लाई किया है या फिर अब आप प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ आपका कोई सवाल हो तो प्लीज हमें लिख भेजिए, हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आपने अभी अभी क्विक सपोर्ट चैनल ज्वाइन किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।